स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं आपको के साथ आइए एक नजर डालते हैं शाहपुरा। शाहपुरा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। शाहपुरा शहर के राजकीय चिकित्सालय के सामने पलसानिया भवन में शुक्रवार को शाहपुरा युवा विकास मंच के तत्वाधान में समाज सेवी सुगन चंद बड़बड़वाल के मुख्य अतिथि व मंच के अध्यक्ष राजेश मंडोवरा की अध्यक्षता व फार्मेस्ट प्रीतम सिंह सोलंकी, शाह समाज के अध्यक्ष सदरू शाह, भामाशाह शेठ सिंह पलसानिया, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शरीफ कुरैशी व वरिष्ठ कार्यकर्ता हंसराज पोसवाल की विशिष्ट अतिथि में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सभी अतिथियों ने राष्ट्रपति के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुगम चंद बड़बड़वाल ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन चरित्र सरल एवं ओजस्वी स्वभाव का रहा है। उन्होंने देश हित में कई रचनात्मक कार्य किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडोरा ने कहा कि ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि हमेशा बनाना चाहिए, इससे देश के युवाओं को भी सीखने में महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। शाहपुरा में सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर व पुष्प अर्पित कर धोबी समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी। शाहपुरा शहर के मिडवे के पास वार्ड नंबर 22 में धोबी समाज के लोगों व सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों के द्वारा शनिवार को धोबी समाज के प्रदेश सचिव राजेश मंडोवरा की अध्यक्षता में बूंदी में लाखेरी के मेज नदी में बस गिरने से धोबी समाज के 24 लोगों की मृत्यु होने पर समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा में सर्व समाज के लोग मौजूद थे। जयपुर ग्रामीण धोबी समाज के अध्यक्ष श्याम बाबू सिसोदिया, समाज सेवी शेर सिंह पलसानिया, आर्यवीर कोचिंग के निदेशक ओम प्रकाश यादव, शाह समाज के अध्यक्ष सदरू शाह व वरिष्ठ समाज सेवी हेमराज पोसवाल ने कहा कि दुर्घटना में मौत के शिकार हुए 24 लोगों की आत्मा की शांति के लिए धोबी समाज शाहपुरा व सर्व समाज के लोगों ने मृतकों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी और दुख की घड़ी में परिवार को मजबूती प्रदान करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। भामाशाह अरविंद कुमार गोयल, रोहिताश बराला, अनिल यादव, शंकर लाल सैनी, मालीराम शर्मा व जाकिर खान ने सरकार से सभी मृतकों के परिजनों को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख मुआवजा देने की मांग की व सभी मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ में मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च भी निकाला। फुलेरा में कुछ दिन पूर्व हुई 2,95,000 रुपए की चोरी में खुद भांजा ही निकला चोर। जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना फुलेरा में 26 फरवरी को खतवाड़ी खुर्द निवासी परिवादी सुनील कुमार जाट पुत्र कज्जाराम जाट ने एक परिवाद दर्ज करवाया कि मेरी सगी बुआ निवासी काजीपुरा की लड़की की शादी होने के कारण आज दिन भात लेकर जाना था। भात के प्रोग्राम में जाने के लिए 25 तारीख को सुबह 10 बजे 2,95,000 घर लाकर रखे थे, जो कि मैंने रात को देखे तो नहीं मिले, जिस पर थाना फुलेरा पर रुपए गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। चोरी के इस मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए शंकर दत्त शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने लक्ष्मण का स्वामी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू के निर्देशन में एक टीम गठित कर इस अपराध में लिप्त मुलजिम में चोरी की कई रकम के बरामदी के निर्देश दिए। टीम ने जब इस मामले में गहनता से तहकीकात की तो पता चला कि इस अपराध के पीछे परिवादी का भांजा जितेंद्र कुमार शेषमा पुत्र मालीराम शेषमा जाति जाट निवासी राजपुरा थाना दाता रामगढ़ जिला सीकर से गहन पूछताछ की गई तो उसने चोरी की यह अपराध करना स्वीकार किया, जिसको गिरफ्तार कर चोरी की गई राशि 2,95,000 रुपए में से 2,94,700 रुपए बरामद की गई। शेष 300 रुपए उसने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने में खर्च कर दिए। गठित स्पेशल टीम के सदस्यों में सुरेंद्र सिंह थानाधिकारी फुलेरा, दुलाराम रामचंद्र मनमोहन व राजेंद्र कुमार थाना फुलेरा शामिल रहे। इस तुरंत कार्रवाई के लिए टीम को जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर शर्मा ने पुरस्कार करने की घोषणा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।